रियली बहुत प्यार करते हैं। जब भी हम दोनों लोग साथ में हैं, बड़े भैया पवन सिंह जी और हम, तो दर्शक हमें बहुत प्यार करते हैं। अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्लानिंग होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। और मैं उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उनको मैं बचपन से और अभी भी उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनके उठते भोरे देखल चाहियो कर वीडियो, रतियो के उड़ गइल बाटे हमार नींदियो, हमारा के लभ वाला फील दे गोइल, हाँ फील दे गोइल, जानियो कर गलिया के तिल ले गोइल, हरील वाली यार दिल ले गोइल। बात तो सही है, क्योंकि फिल्म देखने का मजा 70 mm पर, और सीटियां जब तक ना मारे, कुर्सियां ना हिलाए, तो मजा ही नहीं है, है ना। देखिए, फिल्म बनता है सिनेमा हॉल के लिए ही, टीवी पे तो सब सीरियल वीरियल चलता ही है, लेकिन आज के समय में क्या ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, टीवी पे भी वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है, जैसे कि 4 सितंबर को दिल धक धक करे हमारी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है फिल्मची चैनल पे। तो हम चाहेंगे कि टीवी पे भी देखिए, और जब सिनेमा हॉल में लगे तो सिनेमा हॉल, मतलब भोजपुरी से आप लोग इतना प्यार करते हैं, हम लोग इतना गाना गाते हैं, फिल्म करते हैं, तब पर भी आप लोग इतना प्यार मिलते हैं, तो हम लोग क्या हैं, सारे कलाकार हम लोग प्यार के भूखे हैं, जितना प्यार दीजिएगा हम लोग चाहेंगे कि और आप लोग का प्यार मिलते रहे। एक सवाल हमेशा गूंज रहा है, हुकूमत के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से आपने पावर स्टार के साथ काम नहीं किया, त्रिदेव के सुपरस्टार, हाँ सॉरी, इसके बाद कब आ रही है, कुछ कुछ खुलासा करेंगे? काफी ज्यादा होता है कि गुरु चेला के जोड़ी को लेकर काफी ज्यादा कंबाइन। नहीं, हमारे जो दर्शक हैं रियली बहुत प्यार करते हैं, जब भी हम दोनों लोग साथ में हैं, बड़े भैया पवन सिंह जी और हम, तो दर्शक हमें बहुत प्यार करते हैं। अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्लानिंग होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। और मैं उनके साथ काम करके बहुत 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 ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उनको मैं बचपन से और अभी भी उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनके गाने से, उनके मतलब उनके बहुत कुछ उन्होंने सिखाया भी है मुझे, तो मतलब अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, पवन भैया के साथ। किस तरीके से देखते हैं उनके जो अभी गाना, एक गाना जारी हुआ था? देखिए, गाना देखिए, आज वो बॉलीवुड के जितने म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं या बॉलीवुड स्टाइल्स वो गाने बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का लेवल ऊपर उठ रहा है, और यही नहीं, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे, पहले क्या होता था, हम लोग जल्दी जल्दी करते थे, हो गया नहीं, अब एक एक दिन में एक एक गाने, दो दो गाने, एल्बम के शूट हो रहे हैं, तो एक तरह से देखिए कि कंपटीशन तो मार्केट में है ही, लेकिन अब हम लोग क्वालिटी भी दे रहे हैं कि नहीं, दर्शकों को अच्छा अच्छा चीज़ भी दिखा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि अच्छे चीज़ों को और आप लोग प्यार दीजिए, जब भी किसी की भी हो, कि चाहे वो छोटे सिंगर को या बड़े सिंगर को, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी हो, अगर अच्छा चीज़ आता है तो उसे ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि मतलब और अच्छा हम लोग बनाएं। बिल्कुल सही बात है। इसी चीज़ पे एक सवाल आती है कि फिल्में अब छोटी बजट की बनती है, और आपने कहा कि फिल्म जो एल्बम के गाने हैं वो अब बड़े बड़े गाने बन रहे हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं कि एल्बम इंडस्ट्री ऊपर जा रही है या फिल्म इंडस्ट्री नीचे जा रही है? नहीं नहीं, देखिए ये कुछ दिनों की बात है, अब फिल्म फिल्म होता है, एल्बम एल्बम होता है, फिल्म की ऑडियंस अलग होती है, एल्बम की ऑडियंस अलग होती है, एल्बम के गाने आते हैं, बजते हैं, फिर लोग बोलते हैं हाँ अब दूसरा लगा हुआ, लेकिन फिल्म जब आज भी लोग मतलब नदिया के पार को लोग नहीं भूले हैं, आज भी लोग मतलब बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं, जो हिट हिट फिल्में हैं, आज भी लोग याद रखते हैं, जैसे हमारी फिल्म में दिलवर आई थी, आज भी हम कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं भैया वो फिल्म बहुत बढ़िया रहे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब जो ये सब फिल्म, हुकूमत, तो फिल्म का बात अलग होता है, फिल्म का एक अलग, फिल्म में हीरो आता है, क्रेज होता है लोगों को, फिल्म में एज ए हीरो लोग मतलब पसंद करते हैं। और एल्बम, ठीक है, इसी से तो हम लोग की उत्पत्ति हुई है, एल्बम से ही हम हैं, तो एल्बम भी होना चाहिए, एल्बम ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, और फिल्में घर घर में लोग देखते हैं, घर घर असली पहचान फिल्मों से होती है। फिल्म बहुत सौभाग्यशाली हम सारे भोजपुरी सिंगर कि जो हम लोग सिंगर की भूमिका में भी रहते हैं और एक्टर की भूमिका में भी, हमें लोग पसंद करते हैं, तो ये एहसान है आप लोग का, और हम लोग मतलब कर्जदार हैं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं दोनों चीज़ों में, एल्बम में भी और फिल्म में भी। दो दिन पहले, तीन दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी में आपने कल्लू कृष्णा का फर्स्ट लुक भी जारी किया था। हाँ, कल्लू कृष्णन एक ऐसे सब्जेक्ट है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हम लोग लॉन्च किए थे, आप देखेंगे कृष्ण भगवान के लुक में मैं हूँगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप की फिल्में बनाएं, एक ही फ्लेवर नहीं, जो भी हमारी फिल्में आए अलग, जैसे शुभ घड़ी आया हुआ ट्रेलर अभी आया था, उसके एक अलग पहचान थी, जान आया रोमांटिक फिल्म है, तो ऐसे ही अभी आगे पिक्चरें आएंगे, विजेता है, कल्लू की दुल्हनिया है, तो बहुत सारे फिल्में हैं, आप लोग को उम्मीद है कि टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी है, कलाकार है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो रूप में कल्लू को देखना चाहते हैं आप लोग, वो रूप हर रूप में आप सबके बीच में मैं हूँ।